दामिन कंपनी द्वारा मुस्लिम लड़के को नौकरी देने से मना करने के बाद एक और मामला सामने आया है, जिसमें भारत में धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठा दिया है। 25 वर्षीय मिसबा काथरी नाम की महिला ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम होने के कारण उसे फ्लैट से निकाल दिया गया है। काथरी का कहना है कि वो वडाला के सांगवी हाइट सोसाइटी के 3 कमरों के मकान में शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन ब्रोकर ने यह कहकर वहां मकान दिलाने से मना कर दिया कि सोसाइटी में मुस्लिम किराएदार नहीं रह सकते हैं। काथरी ने बताया कि ब्रोकर ने उनसे कहा था कि आप एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लिख दें जिसमें यह लिखा हो कि आपके धर्म की वजह से आपको पड़ोसियों द्वारा अगर कोई परेशानी होगी तो उसके लिए बिल्डर, मकान मालिक और ब्रोकर जिम्मेदार नहीं होंगे। देखिए, मैंने हमेशा ना, काफी मेरे दोस्त हैं जो अब्रॉड चले गए रहने के लिए या फिर अभी बात करते हैं अब्रॉड जाने की, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, अपना कंट्री है, तुम्हें अगर इतना बुरा लगता है उसे चेंज करने की कोशिश करो, यहाँ पर कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। बाहर जाओगे वहाँ दूसरी रेसिज्म, ये काइंड्स की दूसरी तरह की रेसिज्म होती है। बट आई थिंक इंडिया में इंडियंस हम लोग ही इतने रेसिस्ट हैं, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ मतलब कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ यू नो कुछ अलग ढूंढना चाहते हैं। वो अलग चीज़ प्राउड फील करने के लिए नहीं, गर्व फील करने के लिए नहीं, पर वो अलग चीज़ एक दूसरे को अलग करने के लिए। गुजरात में ये ओपनली होता है, बॉम्बे में, मेट्रो सिटी में भी लास्ट 5.5 साल से मैं फेस कर रही हूँ, कंटिन्यूसली होता है। इस बार मुझे निकाल दिया, कई बार घर ही नहीं देते हैं हमेशा, इस बार निकाल ही दिया घर से, तो इस बार ज्यादा तकलीफ हो गई। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।